12 के बाजार बंद हैं। सुबह 8 बजे करनी सेना के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शहर के प्रताप चौक पर जमा हुए, मानव श्रृंखला बना और टायर जलाकर हत्या का विरोध जताया। इसके बाद ये सभी लोग दुपहिया वाहनों पर सवार होकर हत्या के विरोध में शहर में वाहन रैली निकाली, उन्हें फांसी देने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो टायर जलाकर हत्या का विरोध यहां पर किया गया। तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, हत्या के विरोध में बाजार आज पूरी तरीके से बंद है और प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए सभी लोग, यहां पर मानव श्रृंखला बनाकर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज किया गया। इसके बाद वाहनों के जरिए शहर भर में रैली निकाली गई। आपको बता दें, बाजार जो है आज वो पूरी तरीके से बंद है। 12 की जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सभी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। अचानक जिला कलेक्ट्री के बाहर में, इस समय ग्राउंड जीरो पर जिला कलेक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर हजारों की तादाद में करनी सेना से जुड़े हुए जो युवा है वो मौजूद थे और अचानक से कलेक्ट्रेट परिसर पर पथराव करने लगे। जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी उन पर पथराव किया जाने लगा। पथराव के बाद अचानक यहाँ पर माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया और पुलिस की जो टीम है वो पूरी तैयारी कर चुकी थी कि जो भीड़ यदि यहाँ पर बेकाबू होती है तो उसे खदेड़ कर मामले को शांतिप्रिय तरीके से निपटाया जाए। अभी भी आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें अब कलेक्ट्रेट के सामने से दूर हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारी अब कलेक्ट्रेट परिसर के सामने नहीं है, लेकिन सेवाश्रम चौराहे जो कि उदयपुर के जहां पर ये लोग जमा हुए थे उस ओर कूच कर चुके हैं और वहां पर पूरे रास्ते में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि और भी हुड़दंग जो है वो किया जा सकता है। तो पुलिस के जो टीम है वो चप्पे चप्पे पर उदयपुर में तैनात कर दी गई है। आप देखिए, ये हॉस्पिटल का परिसर है, इसी के अंदर से पथराव कुछ देर पहले शुरू हुआ था जो कि जिला कलेक्ट्रेट के अंदर तक किया गया। संभवतया इस तरह से पहली बार उदयपुर में हुआ है जब कलेक्ट्रेट परिसर के ऊपर पथराव किया गया। यहाँ पर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग्स लगाकर भीड़ को रोकने के पूरे इंतजाम किए गए थे। बड़ी तादाद में पुलिस की टीम भी मौजूद थी, लेकिन अचानक से जो भीड़ है पहले शांतिप्रिय तरीके से नारेबाजी कर रही थी और अचानक से बेकाबू हो गई। ना सिर्फ पत्थर फेंके गए बल्कि जूते, चप्पल, लकड़ी के टुकड़े और भी कई सामान जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर फेंके गए। उसके बाद में अफरा तफरी के माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के जो कप्तान है, उदयपुर पुलिस अधीक्षक, खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस समय सड़क पर रूट मार्च वे अलग अलग जगह पर कर रहे हैं और जो लोग जगह अलग अलग जगह भीड़ जुटाकर मौजूद है उनसे समझाइश करते हुए अब मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। जी तो फिलहाल तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर में पुलिस पर भी पथराव किया गया और पुलिस पर भी पथराव की तस्वीरें जो है उदयपुर से निकलकर सामने आए, जहां पर पुलिस बेकाबू भीड़ को काबू करने में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि एक जगह पर अधिक लोगों की संख्या इकट्ठा होना पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। हालांकि अब आरएसी और जो की कंपनियां भी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके से असुरक्षा ना हो पाए और इस भीड़ को काबू किया जाए, क्योंकि विरोध की आग जो है वो साफ तौर पर इस वक्त पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। समर्थक जो है वो सड़कों पर हैं और विरोध की तस्वीरें, कहीं पर टायर जलाकर विरोध जताया जा रहा है, कहीं पर रैलियां निकालकर विरोध जताया जा रहा है, कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से भी विरोध किया जा रहा है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। संवाददाता विष्णु हमारे साथ इस वक्त हैं। विष्णु, देखिए तस्वीरें हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध जो है सड़कों पर नजर आ रहा है और इसे काबू करने के लिए पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में लोगों का जमावड़ा एक साथ लगना, और आप बता भी रहे हैं कि कुछ और लोग अभी जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये विरोध और बड़ा हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा पूरा घटना की, करीब 24 से 25 घंटे का वक्त अब बीत चुका है। वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि सुखदेव सिंह गुग्गरमेडी हत्याकांड को लेकर के एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पहली खबर, बड़ी खबर ये। दूसरी बड़ी खबर ये कि दोनों शूटर जो हैं रोहित सिंह और उसके अलावा नितिन फौजी,
उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम अभी घोषणा कर दी गई, उनके ऊपर 5-5 लाख की घोषणा कर दी गई है। तीसरी बड़ी खबर, इस पूरे हत्याकांड को जांच को लेकर के एसआईटी गठित की गई, जिसका चीफ जो है एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत को बनाया गया है। चौथी बड़ी खबर, यहाँ मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर अब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। करीब 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। महिपाल सिंह मकराना अभी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे थे, और इसीलिए जिस तरीके से राजपूत कर्णी सेना सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी को यहाँ पर बुलाया गया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे अब जो है आगजनी भी यहाँ पर करके विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग यहाँ पर आग वापस से लगाई गई है, कल लगाई गई थी, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है। नारेबाजी के साथ साथ एक बार यहाँ पर आगजनी कर दी गई है, यहाँ पर टायर जला करके, लकड़ियां जला करके विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो विरोध का धुआं है आप देख सकते हैं किस कदर आसपास के इलाके में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे से जब ये धरना यहाँ पर चल रहा है, मानसरोवर में चल रहा है, तो ये आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो भी घरों में लगभग बंधक जैसे हो गए हैं, घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं।